क्रिकेट मैच देखने के लिए लिंक की नो मोर टेंशन, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सो डाउनलोड तमाशा ऐप नाउ एंड वॉच फ्री स्ट्रीमिंग, और नॉनस्टॉप डेटा के लिए जैज की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन जैज फैन पल्स ऑन तमाशा ऐप टू विन एक्साइटिंग प्राइसेस। सो डाउनलोड नाउ एंड डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। श्रीलंका के लिए ये विन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि घर में खेल रहे थे, एशिया कप है, एशिया कप में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपके चैंपियंस भी हैं वो, सो अपना एक तरह से चैंपियनशिप के लिए उनके जो शुरुआत है वो इंपॉर्टेंट थी, और अच्छी शुरुआत थी, इसलिए कि मैच फंस भी सकता था। विकेट तीन गिर गई थी इस रन चेज में, मामूली सा रन चेज था 160 रन का। असल में 160 रन जब चेज करने होते हैं तो एक डेढ़ ही अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत होती है, जो कि उनको मिल गई। श्रीलंका बहुत अच्छा खेले और ओवरऑल एक बहुत ही कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस असल में देखने को मिली। बांग्लादेश के मसले मसाइल चल रहे हैं, और मुझे पसंद नहीं आया जब शाकिब अल हसन ने प्रेजेंटेशन में, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि उनके जो एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग पेयर है वो अवेलेबल नहीं है, तमीम भी नहीं है और लिटन दास भी अनफिट हैं। ये कहना ठीक नहीं है। देखें, सारी टीम जो है ऐसी स्टेटमेंट के बाद गिर जाती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम पे भरोसा नहीं है, हमारी स्किल्स पे कप्तान को भरोसा नहीं है, और हम जो हैं वो एक तरह से हम रिगार्ड नहीं कर रहे हैं और हम उनकी किताब में मैच विनर्स नहीं है। आपको स्ट्रेटेजिकली और एनालिटिकली जो है इस हार को जो है वो देखना है, उसको एनालाइज करना है, और फिर यू गॉट टू पुट थिंग्स राइट वेरी क्विकली, क्योंकि अगला मैच जो है बांग्लादेश का वो अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान ने ऑफ लेट बांग्लादेश से बहुत सारे अच्छे मैचेस जीते हैं, बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराया। सो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी टीम को, शाकिब के लिए, कि अच्छे मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड में रखें और इससे सीखें, क्योंकि ये मुश्किल पिच थी। श्रीलंका में मुश्किल पिचेस हैं वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, क्योंकि यहाँ गेंद फंसता है, यहाँ पे ग्राइंड करना पड़ती है आपको इनिंग्स, यहाँ पे बॉलिंग की लेंथ्स और हैं, यहाँ पे हाफ स्पिनर्स भी पूरे स्पिनर्स बन जाते हैं, क्योंकि आपने देखा शाकिब अल हसन को यहाँ पे स्पिन मिल रही थी, जो कि अमूमी तौर पर ज्यादा गेंद को स्पिन नहीं करते हैं। असल में बांग्लादेश की एक और भी प्रॉब्लम है, एक तो उनके पास क्वालिटी के एक दो ऑलराउंडर्स नहीं है, शाकिब को हटा दें बाकी कोई ऑलराउंडर्स नहीं है, और दूसरा ये कि उन्होंने अलाउ किया श्रीलंकन बॉलर्स को, ऑलमोस्ट हाफ बॉलर्स को, या ऐसे बॉलर्स को जो अभी आए हैं, जो अभी इस सर्किट में एक तरह से इमेच्योर है, उनको हावी होने का मौका दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ धनंजय की, फॉर एग्जाम्पल। ना धनंजय अगर 10 ओवर करते हैं, एक विकेट लेते हैं 30 रन पे, तो ये आपने उनको बॉलिंग करने दी। इसी तरह से वेल लागे हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और अभी बच्चे हैं, वो 20 साल की उम्र है, उनको आपने 4 रन पर ओवर के ऊपर खेला, वो भी एक गलती थी। मान लिया कि पति राणा जो है उनके पास क्लास है, उनके पास स्पीड है, वो मुश्किल बॉलर है, उनका स्लिंगिंग एक्शन है, चले वो उनके खिलाफ आप थोड़ा सा फंस गए, फिर तीक्ष्णा को आपने हावी होने दिया और उन्होंने विकेटें भी ली और रन्स दो के हिसाब से उन्होंने औसत से जो है वो रन्स खाए, तो कहीं पे हमें ऐसा नहीं देखा कि कोई प्लान था, और प्लान इसलिए नहीं था बांग्लादेश का क्योंकि इन बॉलर्स को वो सही तरह से परख भी नहीं सके, और कोई इनके खिलाफ कोई मुहिम जो भी नहीं दिखाई, कोई एग्रेशन भी नहीं दिखाया, ना पार्टनरशिप्स लगी। जब विकेटें गिर जाती हैं तो पार्टनरशिप लगाने की जरूरत है, और एशियन ब्लॉक को मासवा इंडिया के, आई थिंक इंडिया की बैटिंग बहुत ही सुपर्ब है, बाकी सब एशियन ब्लॉक के लिए बाबर आजम का टेम्पलेट जो है वो आपको फॉलो करने के लिए है। बाबर आजम क्या करते हैं, जब विकेटें गिरती हैं वो प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं, वो डॉट्स भी खेलते हैं, वो एक आधा मेडन ओवर भी खेल जाएंगे, क्योंकि उनमें सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस है कि वो कभी भी जो है लंबी इनिंग्स खेलेंगे। सो पार्टनरशिप लगाने की वो कोशिश करते हैं बाबर, और उसके बाद एंड में जाके हमला करते हैं, और ये एग्जैक्टली करना था बांग्लादेश को, जब आपकी विकेटें गिर गई उसके बाद पार्टनरशिप की जरूरत थी, और फिर एंड पे आप इसको स्ट्रेच करके स्कोर को अगर 200 भी ले जाते तो मैच ये फंस सकता था, क्योंकि 3 विकेटें गिर गई थी इस रन चेज में श्रीलंका की, उसके बाद फिर एकदम से आसान होगी बैटिंग, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूँ कि बैटिंग सेकेंड जो है वो आसान है कंपेयर टू बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि थोड़ी सी ओस पड़ जाती है, गेंद गीला हो जाता है। सो 15-20 ओवर तक तो गेंद फंस रहा था और स्पिनर्स जो थे वो मुश्किल कर रहे थे बल्लेबाजों के लिए, मगर एक दफा जब गेंद गीला हो गया तो फिर ना साइडवेज मूवमेंट मिली फास्ट बॉलर्स को और ना ही कोई खास स्पिन मिली। सो बांग्लादेश को अब आगे बढ़ना है और उनको एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है। देखिए, डेस्परेट सिचुएशन अब उनके लिए होगी, और डेस्परेट सिचुएशन में दो चीजें होती हैं, या तो आप बिल्कुल बैठ जाते हैं, आपकी नर्व्स जो है वो कोलैप्स कर जाती हैं, या आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये डू और डाई सिचुएशन है और इसमें मैंने मैच नहीं हारना, इसमें मैंने हीरो बनना है। और यही बांग्लादेश को कहना है, अपने आप से बात करनी है कि अब हमें
अफगानिस्तान को हराना और आगे बढ़ना है, मगर श्रीलंका का अच्छा दिन था क्योंकि क्या 39वें ओवर में उन्होंने ये मैच जीत लिया, सो उनको नेट रन रेट में बहुत ज्यादा सहूलत मिलेगी। ओवरऑल अच्छी बिगिनिंग है उनकी और आगे चल के जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो बॉलिंग अटैक है उनका इन पिचेस को सामने रख के ये बहुत मुफीद साबित होगा और बड़े बड़े जो आपके 30 मार खान बल्लेबाज हैं उनके लिए भी ये मुश्किलात पैदा करेंगे। अब चलते हैं लिप्टन परफॉर्मेंस ऑफ द मैच की तरफ। सो परफॉर्मर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से हैं फास्ट बॉलर पति राणा। देखिए 20 साल की उम्र है, चेन्नई सुपर किंग्स में भी खेलते हैं, सो वहां से हौसला मिला है उनको और एक तरह से उनको आउट ऑफ द ब्लू पिक किया आईपीएल के लिए और उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। सो उनकी स्काउटिंग लाजवाब है और अब श्रीलंका को बहुत देर तक वो सर्व करते रहेंगे। स्लिंगिंग एक्शन है, 145 की स्पीड है, उसके बाद स्लोअर बॉल अच्छा करते हैं, बाउंसर तीखा करते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है और अगर आपके पास ये विकेट टेकिंग ऑप्शन क्रिएट हो जाती है नए बॉल पे मिडल में और एंड में तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ऑपोजिशन का स्कोरिंग रेट पे काबू पा सकते हैं और एग्जैक्टली यही किया इन्होंने। 4 विकेट्स लिए, बहुत ही आला शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस की और अपनी सारी रेंज दिखाई उन्होंने, स्लोअर बॉल, स्लोअर यॉर्कर, तेज बाउंसर, सब कुछ हमें देखा और आगे चल के ये और भी बेहतर बॉलर हो जाएंगे। पहला साल है इनका सर्किट में, अभी इनको पिक करना, इनके एक्शन को थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है क्योंकि मलिंगा से भी नीचे इनका लोअर आर्म है जब ये बॉल करने आते हैं, बट ग्रेट टैलेंट है, ग्रेट पोटेंशियल है और खुशी होती है जब एक 20 साल का इस तरह से नौजवान बच्चा जो है वो एक फॉर्मिडेबल एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप को पे इस तरह से हावी हो जाता है। सो शाकिब को और मेहनत, मुशफिक को और मेहनत, ऑलराउंडर किसी तरह से आगे चल के बांग्लादेश को ढूंढना है, एक नहीं बल्कि दो, और इसी तरह से पार्टनरशिप्स लगानी है। मैं समझता हूँ पोटेंशियल तो है इस टीम में मगर हार से कॉन्फिडेंस डेंट हो जाता है। क्रेडिट टू श्रीलंका, बहुत आला मैच जीते हैं।